हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रश्मीज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गोभी मंचूरियन बनाने की रेसिपी। मैं वेज मंचूरियन बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके और मेरी रेसिपी पर अपने कमेंट्स जरूर लिखें। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए मैं एक मीडियम साइज़ गोभी ली हूँ, जिसे अच्छे से साफ़ कर ली हूँ और इसके छोटे छोटे टुकड़े काट ली हूँ। ये देखिए, फूल मैं ले ली हूँ और उसके डंठल को निकाल ली हूँ और टुकड़े छोटे इसलिए की हूँ ताकि गोभी मंचूरियन का गोभी क्रंची रहे। मैं काली मिर्च यूज करूँगी क्रश करके। 2 बड़े चम्मच ग्रीन चिली सॉस ली हूँ, 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, 1 बड़ा चम्मच मैं डार्क सोया सॉस ले ली हूँ और 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस ली हूँ। बारीक कटी हुई फ्रेश धनिया पत्ती यूज करूँगी और 2 बड़े चम्मच सेजवान चटनी, 1 पिंच कलर मैं ली हूँ जो ऑप्शनल है, नमक टेस्ट के अनुसार यूज करूँगी, 1/2 शिमला मिर्च जिसे मैं स्क्वायर शेप में काट ली हूँ, 1/2 प्याज जिसके लेयर निकाल कर मैं उसे स्क्वायर शेप में काट ली हूँ, 1 इंच अदरक बारीक कटी हुई, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई और 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई मैं यूज करूँगी। मैं यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर यूज कर रही हूँ, आप यहाँ पे अरारोट भी यूज कर सकते हैं, और 3 से 4 बड़े चम्मच मैं मैदा यूज करूँगी। मैं सभी इंग्रेडिएंट्स और उसका मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। मंचूरियन बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई में पानी डालकर उसे बॉयल करूँगी। पानी बॉयल हो गया है, अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। 1/2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पर नमक डाली, अब इसमें एक अच्छा सा मिक्स दूँगी मैं। अब इसमें मैं गोभी को डाल दूंगी। गोभी डालकर मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक उसे मीडियम फ्लेम पर ढक के पकाऊंगी। 3 मिनट हो गया, मैं ढक्कन को हटाई। ये देखिए, गोभी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और गोभी को निकाल लूंगी। ये देखिए, गोभी को मैं 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बॉयल करके निकाल ली हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं अगला प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक डिप तैयार करूँगी। इसके लिए मैं मैदा ली। इस डिप में गोभी को डिप करके हमें डीप फ्राई करना है। अरारोट डाली मैं, 1 बड़ा चम्मच अरारोट मैं यहाँ पे बचा के रख लूँगी, गोभी मंचूरियन के सॉस तैयार करने के टाइम उसे यूज करूँगी। नमक डाली मैं टेस्ट के अनुसार और यहाँ पर मैं सेजवान चटनी डाल रही हूँ। सेजवान चटनी को डिप में डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा गोभी का। और काली मिर्च क्रश करके मैं डाल दूंगी। सभी इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर ली हूँ चम्मच से। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करूँगी। पानी डालकर अच्छे से मिक्स करना है हमें घोल को, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए, इसी कंसिस्टेंसी में इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद इसे थोड़ा सा और मैं पतला करूँगी। ये देखिए, घोल मैं तैयार कर ली हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। और इसे तैयार करने में मैं मेजरिंग कप के 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी यूज की हूँ। अब मैं एक पैन में रिफाइंड ऑयल डालकर उसे गर्म करूँगी। जब तक रिफाइंड ऑयल गर्म हो रहा है, मैं इस डिप में एक एक करके गोभी डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। इस घोल में गोभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि घोल गोभी के अंदर तक चला जाए। रिफाइंड ऑयल गर्म हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए मैं घोल का 1 ड्रॉप रिफाइंड में डाली। ये देखिए, रिफाइंड तैयार है। अब मैं फ्लेम को मीडियम हाई पे रख के गोभी को तलूंगी। फ्लेम को लो पे ना करें, इससे गोभी सॉफ्ट हो जाएगा, क्रंची नहीं रहेगा। अब मैं कढ़ाई में एक एक करके फोक से गोभी को डालूंगी, ताकि ज़्यादा सा घोल रिफाइंड ऑयल में ना जाए। इसे हाथों से भी डाल सकते हैं, इसी तरह गोभी डाल लें। ये देखिए, गोभी को मैं मीडियम हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। मैं चेक करूँगी गोभी दूसरे साइड गोल्डन हुआ है या नहीं। हमें गोभी को पलट पलट कर गोल्डन होने तक पकाना है। कुछ कुछ देर पर पलट कर मैं गोभी को गोल्डन कर ली हूँ। अब मैं इसे एक टिश्यू पे निकाल लूँगी, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये देखिए, गोभी एकदम गोल्डन और क्रंची दिख रहा है। इसे एक टिश्यू पे निकाल लूँगी मैं। सभी गोभी को मैं डीप फ्राई करके निकाल ली हूँ। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब मैं इसका सॉस तैयार करूँगी। अब मैं उसी पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर उसे गर्म करूँगी। रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं लहसुन डालूँगी, हरी मिर्च डालूँगी और अदरक डालकर मैं इसे 30 सेकेंड तक भूनूँगी। 30 सेकेंड तक मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भून ली हूँ। अब इसमें मैं प्याज और
शिमला मिर्च डालकर मीडियम हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक भूनूंगी। सभी इंग्रेडिएंट्स को 1 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसमें सॉस डाल दूंगी। सॉस डालने के पहले फ्लेम को मैं लो पे कर दूंगी और अब इसमें मैं सॉस डालूंगी। मैं सबसे पहले टोमेटो केचप डाली। यदि आप मंचूरियन में ज़रा भी मीठा पसंद नहीं करते हैं तो टोमेटो केचप को स्किप कर सकते हैं, पर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये मैं ग्रीन चिली सॉस डाली, सोया सॉस मैं डाली, यहाँ पे मैं रेड चिली सॉस डाल दूंगी। अब मैं इसमें एक अच्छा सा स्टर दूंगी। अच्छा सा स्टर देने के बाद मैं फ्लेम को मीडियम हाई पे करके 30 सेकेंड से 1 मिनट तक इसे भूनूंगी। जब तक सॉस भून रहा है मैं गोभी मंचूरियन को रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए कॉर्नफ्लावर में 1 पिंच फूड कलर डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसे इस तरह से घोल लें। सॉस भुन गया है, अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी टेस्ट के अनुसार। सभी सॉस में नमक होता है इसलिए नमक थोड़ा ध्यान से डालें। मैं यहाँ पे ड्राई गोभी मंचूरियन बना रही हूँ। यदि आप ग्रेवी वाला गोभी मंचूरियन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए पानी डाल लें जितना ग्रेवी आप चाहते हैं, और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर को घोलकर उसकी थिकनेस अपने अनुसार सेट कर लें। मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर घोली थी उसे डाल ली। कॉर्नफ्लावर के घोल को डालकर मैं 10 से 15 सेकेंड तक इसे इसी तरह चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे भून ली हूँ। अब इसमें मैं फ्राई किए हुए गोभी डाल दूँगी। गोभी डालकर सॉस में हमें मिक्स करना है ताकि सॉस गोभी के अंदर तक चला जाए। फ्लेम को मीडियम हाई पे ही रखें। हमें यहाँ पे गोभी को पकाना नहीं है, ज़्यादा पकाएंगे तो गोभी का क्रंच चला जाएगा। इसी तरह गोभी को मिक्स कर लें। ये देखिए गोभी को मैं सॉस में अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। हमारा मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है। मैं फ्लेम को बंद कर दी और इसमें मैं धनिया पत्ती को डालकर मिक्स करूँगी। गोभी मंचूरियन को मैं सर्विंग बॉल में निकाल ली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।